इस लेक्चर में हम एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, इस लेक्चर में हम उसी को आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोपीन पे एडिशन होता है तो जो आपका वाई कार्बन है ये मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाता है HBr, और इस तरीके से क्योंकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है सेकेंडरी, Br यहीं पर लगेगा और ये आपका मेजर प्रोडक्ट था क्योंकि पॉजिटिव सेंटर हमेशा उसे बनाते हैं जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो, और कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की चेक करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन काउंट करनी होती है। नेक्स्ट है, अगर हमें HBr ही ऐड करना है और मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है, ये आपका मॉलिक्यूल है ठीक, तो ये है एक्स और ये है वाई। अगर यहां पर मैं HBr ऐड करता हूं तो HBr ऐड करने के लिए सिंपल मैंने आपको बताया था कि आप उस पर Br ऐड करें जहां पर मिनिमम हाइड्रोजन है। आपको पता है या तो X पर होगा या Y पर होगा। Y पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं? दो, क्योंकि दो बॉन्ड तो ये हैं। और X पर कितना हाइड्रोजन लगा है? जीरो, क्योंकि एक दो तीन और चार। तो Br आपका डायरेक्ट किस पर आ जाएगा? CX पर। CX उससे पहले कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन कैसा बना था? ये टर्शरी, क्योंकि इससे तीन अल्फा हाइड्रोजन जुड़ी कार्बन जुड़े हैं और ये टर्शरी आपका क्या है? टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहां पर 1, 2, 3 और यहां पर ये Br। अब नेक्स्ट है, ये तो सिंपल आपका मार्कोनी को प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसको मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। थर्ड है, अगर आपका कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, क्लियर, ये जो मॉलिक्यूल है यहां पर देखिए कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। मुझे पता है अगर मुझे मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाना है तो मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे थर्ड पर, किस पर? थर्ड पर आपको पॉजिटिव सेंटर बनाना होगा और बॉन्ड इस तरीके से घुमाना होगा। यहां पर आएगा नेगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव पर हाइड्रोजन लग के न्यूट्रल हो जाता है और पॉजिटिव पर लगेगा Br। एक तो प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट ये आता है यहां पर, ये Br, लेकिन ये इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं है। रीजन ये, कभी भी पॉजिटिव सेंटर जब बनता है, जैसे यहां पर पॉजिटिव सेंटर थर्ड कार्बन पर बना, ये पॉजिटिव सेंटर बना, यहां पर तो फोर्थ पर तो हाइड्रोजन लगी गया ना, ये जो पॉजिटिव सेंटर है ये पॉजिटिव सेंटर हमेशा राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखता है, राइट और लेफ्ट, राइट पर जाने की कोशिश करेगा और लेफ्ट पर जाने की कोशिश करेगा। देखो राइट पर तो कोई फायदा नहीं क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा, लेफ्ट पर फायदा है। यहां पर इस कार्बन पर एक कार्बन, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो हाइड्रोजन तो होगा। तो ये पॉजिटिव सेंटर हमेशा कोशिश करता है कि मैं मोर स्टेबल कार्बन पे आऊं। ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से माइग्रेट करेगी और ये माइग्रेट करेगी और इस माइग्रेशन को बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या होगा कि हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के साथ मूव करेगा, और जब हाइड्रोजन मूव करेगा तो ये कार्बन 2 था और ये कार्बन क्या था? 3। तो हाइड्रोजन कहां से कहां शिफ्ट हुई? कार्बन 2 टू 3। तो 3 पर ये हाइड्रोजन लगेगी और 2 आपका पॉजिटिव सेंटर बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के साथ गई तो C2 पॉजिटिव चार्ज बना। तो नेक्स्ट पर हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, ये 3 पर ये हाइड्रोजन आ गई और 2 आपका क्या बना? पॉजिटिव सेंटर। जब ये 2 पॉजिटिव सेंटर बना तो ये यहां पर Br नेगेटिव चार्ज आएगा और आपका, वैसे भी आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज से कितने कार्बन कनेक्ट हैं, कार्बन 1, कार्बन 3 और वो कार्बन X, तो 3 कार्बन तो डायरेक्ट कनेक्ट है। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल प्रोडक्ट ये होगा। तो ये प्रोडक्ट बना आपका किससे? हाइड्राइड शिफ्ट से। तो यहां पर हमने जो एडिशन रिएक्शन पढ़ी वो है एडिशन थ्रू शिफ्टिंग और इसको बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। नेक्स्ट है, इसी की तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे यहां पर कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4 ये मॉलिक्यूल अगर है ठीक, तो मैंने बताया सबसे पहले नेमिंग कीजिए 1, 2, 3 और कार्बन 4। अगर आपको मार्कोनी को एडिशन करना है तो जाहिर सी बात है
सबसे पहले 3-4 का बॉन्ड टूटेगा, 3 पर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो Br आप एक अटैच कर देंगे और एक प्रोडक्ट डायरेक्ट ये बन जाएगा, तो यहां पर आया ये Br, लेकिन ये इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि पॉजिटिव सेंटर बनने के बाद, यहां से देखिए, पॉजिटिव सेंटर बनने के बाद हमेशा कार्बन राइट और लेफ्ट दिखता है, ये पॉजिटिव चार्ज राइट और लेफ्ट दिखता है, ये उधर तो जाएगा नहीं, इधर आने की कोशिश करेगा, इधर अभी कोई जगह नहीं है क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1, 2, 3 और 4, तो यहां से होगी कार्बन के शिफ्ट, और इस शिफ्टिंग को बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। जब ये मिथाइल शिफ्ट होगी तो मिथाइल शिफ्ट का मतलब होता है CH3 माइग्रेट करेगा नेगेटिव चार्ज के साथ, और जब अगर मैं इस कार्बन का नाम X रखूं तो X कार्बन अगर नेगेटिव चार्ज के साथ माइग्रेट करेगा तो यहां पर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो नेक्स्ट, और X कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, कार्बन कौन सी थी ये 3 और ये कौन सी है 4, 1 और 2, तो यहां पर होगा 1, 2, ये 3 कार्बन, नेक्स्ट यहां पर ये कार्बन CX आ गया और पॉजिटिव सेंटर बना कार्बन 2 पर, पॉजिटिव सेंटर कहां पे बनेगा 2 पर, और यहां पर आप अब Br अटैच करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज टर्शरी है, एक ये कार्बन और ये कार्बन, कितने कार्बन जुड़े हैं 3, तो ये मोर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू कार्बन 3, तो यहां पर क्या लगेगा 1, 2, 3, ये आपका आया Br, तो ये थी मिथाइल शिफ्ट, तो शिफ्टिंग थी लेकिन ये शिफ्टिंग थी मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि आप कभी भी पॉजिटिव सेंटर बनाएं तो चेक जरूर करें राइट और लेफ्ट पॉसिबिलिटी और पॉजिटिव चार्ज की अच्छी बन रही है नहीं। देखो जब हमने 3 पे पॉजिटिव चार्ज बनाया था तो ये सेकेंडरी था क्योंकि पॉजिटिव सेंटर 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 और ये 2, अगर मुझे लगा कि अगर मैं एक्स को माइग्रेट कर दूं उधर तो ये जो पॉजिटिव सेंटर बनेगा तो इससे ये टर्शियरी बन रहा है और ये कितने कार्बन से जुड़ा है 1, 2 और 3, तो ये हमने एडिशन सीखा किसके थ्रू, थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन थ्रू रिंग एक्सपेंशन, एडिशन रिएक्शन थ्रू रिंग एक्सपेंशन। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं।